जलंधर जिमनी चोण की गल कर लिए तो चोण मैदान पूरी तरह के नाल भख्या होया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जलंधर चोण मैदान दे विच डटे हुए ने। अरविंद केजरीवाल भी छेती इस मैदान दे विच पहुंचणगे। दल बदलियां की गल कर लिए तो जलंधर तो कांग्रेस के सबका जिला प्रधान ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे दलजीत सिंह आलूवालिया भी आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद उन्हां दा पार्टी दे विच स्वागत किया। जलंधर पहुंचे मुख्यमंत्री मान ने पार्टी उम्मीदवार सुशील रिंकू दे नाल मदारा तो रोड शो किया। जंडू सिंह भी रोड शो किया, लोगों वोटां पाउण की अपील की। इत्थे मुख्यमंत्री ने जिहड़ा एक दावा किया है उसनू सुन के काफ़ी लोग हैरान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदों की पंजाबियों ने सानू पंजाब की जिम्मेदारी दिती है, ना तो पंजाब दे विच कोई धरना लग्या, ना कोई लाठीचार्ज होया, तो ना ही कोई बेरोजगार टैंकी ते चढ़े होणगे, क्योंकि असी पंजाब नू मुड़ तो रंगला पंजाब बनाउण दे विच लगे होए आ। किन्नी वारी मावां, लखां वारी मावां अपने पुत्तां नू, अपणियां धीआं नू, पढ़े लिखे पुत्तां धीआं नू खंड वाला दही का जाम जा मुंह पा के भेज दिया नहीं है। जा पुत चंडीगढ़ जा, डिग्रियां लैके नौकरी लिया, धी का ब्याह करांगे, भैन का ब्याह करांगे, पर वो धीआं पुत साढ़े चंडीगढ़ तों डांगा खा के घरे आ जांदा सी, रोज लाठी चार्ज होंदा सी। हुण पंजाब दे विच किस धरना देखिया? पंजाब दे टैंकी दी जगह देखिया? पंजाब च कोई टावरां दी जगह देखिया? किते कोई लाठी चार्ज देखे? जे नीयत साफ हो सारा कुछ हो सकता है। रंगला पंजाब बनाउणा है, रल मिलके रहण वाला पंजाब बनाउणा है। गुरुआं दी धरती है, पीरां फकीरां शहीदां दी धरती है। गुरु मैं कहना जी इन्नी ब्लैस्ड धरती है, इत्थे तां जिहड़ा आवे पंजाब दे विच आवे तां उह खुश रवे, उह तरक्कीआं करे, कि पहला जिहड़ा कम्म होंदा सी बंद कर। इस मौके मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दिती कि परसों नू 94 होर आम आदमी क्लीनिक पंजाब दे विच खोल दिते जाणगे। लुधियाणा दे विच मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करन दे लई जाणगे। ते नाल ही मुख्यमंत्री ने जलंधर वालियां दे नाल शहर दे विच सड़कां बनाउण दा वादा कीता, पर कहिंदे पूरा तां होऊगा जे झाड़ू वाला बटन दबाउंगे। इस मौके सीएम ने यह भी कहा कि एक साल बचिया है लोक सभा चोणां होण दे विच, इह ज़िमनी चोण है, एक साल सानू मौका दे के देख लिओ, जे असी एक साल दे विच कोई काम ना किया जां तुहानूं साडा काम पसंद ना आया तो 24 दे विच सानू वोटां ना पायो। सो इस करके मैं तुहानूं कहण आया, सच्चे दिलों पंजाब दी सेवा करन लगे होए आं, कोई मशहूर होण दा चाह नहीं, मशहूरियां तां पहलां तुसीं बहुत देतियां मैनूं, कोई मैनूं अखबार च फोटो छपाउण दा चाह नहीं, कोई मैनूं टैलीविजन ते आउण दा चाह नहीं, इक्को ही चाह है कि मेरे करके मेरे साइन करके किसे घर दा चुल्हा बलदा हो जाए, किसे घर दे विच खुशियां आ जाण, नौकरी मिल जाए, कबीलदारी लीह ते चढ़ जाए, आही चाह है बस, होर कोई चाह ना। मैं कोई अपना भतीजा, ना भांजा, ना चाचा, ना ताया, कोई मैं माफिया नहीं बुलाउणा। मैं तां बल्कि उन्हां तों पैसे कढ के सिद्धे खजाने च सिद्धे तुहाडे कोले, कदे बिजली फ्री, कदे हुण आप मुहल्ला क्लीनिक खुल गया, आम क्लीनिक 94 होर तैयार ने, परसों उन्हां दा उद्घाटन करा के हुंदे ने। पहला सब डाक्टर ने नहीं मिल भरे जाते, प्राइवेट दुकाना लिख देंगे, उत्थे कितों लाओगे दवाई, गरीब कितों लाओगे जी। सो भीओ जो फैसला होगा लोगों के हाथ में होगा। इस जिमनी सीट नूं जित्तण दे लई बीजेपी ने भी पूरा जोर ताण लाया होया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रोजाना एक तो वध गिणती दे विच जलंधर पहुँचते ने, लोगों के नाल मिलते जुलते ने अते वोटां पाउण दी अपील करते ने। कल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर इत्थे पहुँचे अते आम आदमी पार्टी ते तिखे निशाने साधे। जिहड़ी वीडियो हाले तक रिलीज़ नहीं हुई उस वीडियो नूं लैके भी सरकार नूं घेरिया अते माफिया राज कहिंदे पहलां वांगू कायम है। इस दे नाल ही अनुराग ठाकुर ने आप विधायकां ते वसूलियां करन दे भी दोष लाए। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे बंगले दे सुंदरीकरण नूं लैके भी उन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं घेरिया अते नशा तस्करी दा मुद्दा भी चुक्या। नए नए हाईवेज निकालने की बात हो, सुपर एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया, चार धाम की सड़कें भी बनाई, और
प्रकाशोत्सव 550वां गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, वो धूमधाम से भी मनाने का काम किया। तो साहबजादों का शहादत को वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का काम ये मोदी सरकार ने शुरू किया। तो फिर अपनी सरकार बीजेपी सरकार की तारीफ करदिया अनुराग ठाकुर ने कहा कि असी काम के नाते वोटा मंग रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने करतारपुर साहब का कोरीडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब के विच रोप वे बनवाया, जबकि पंजाब की मान सरकार ने सारे काम बेईमानी वाले किए। कांग्रेसियों में भारी हताशा और निराशा है कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भी रहे और अंदर खाते मदद भी कर रहे। अब जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पंजाब के लिए एम्स देने की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र देने की। केंद्रीय मंत्री दे इना इल्जामां दा आम आदमी पार्टी दे पंजाब तो मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने जवाब भी दिता अते दावा कीता कि साडी सरकार ने एक साल दे विच भ्रिष्टाचारियों दे खिलाफ ठोक के कार्रवाई कीती है। जे कोई आम आदमी पार्टी दा लीडर भी इना इल्जामां दे विच फसिया है तां उहदे खिलाफ भी कार्रवाई कीती है। इल्जाम लाउंदिया कहा कि असीं तां कार्रवाई करदे हां, पर बीजेपी ने अजय मिश्रा टेनी नूं हाले तक बरखास्त नहीं कीता, जिस दे पुत ने किसानां दा कतल कर दिता सी। और जिहड़ी कांग्रेस वार वार निजी हमले करना चाहती है, मैं उन्होंने पूछना चाहना, जेड़े ताड़े मंत्री नोटा दियाँ गिनी गिन वाली मशीन लैके जिन्हों पर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने रज के कांग्रेस के 5 साल लुट की, क्यों नहीं कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वह कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे मौजूदा बाद अखीर च रहे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? उदों तो प्रताप सिंह बाजवा की आवाज भी नहीं निकलती सी। ना सिर्फ इन्होंने पुश्त पनाई करप्शन दी, बल्कि जिहड़ा ऑर्गनाइज क्राइम पंजाब हुंदा रहा, जिहड़ा पंजाब च गुंडागर्दी हुई, उन्हूं पुश्त पनाई अगर कोई दिंदा सी ते अकाली दल भाजपा की सरकार ते बाद कांग्रेस की सरकार। इस दरमियान कंग ने अनुराग ठाकुर नूं सवाल भी पुछे कि वह किहड़े आधार से साडी सरकार तो सवाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने तो जबर जनाह ते कतल ते दोषी कुलदीप सिंह दे परिवार नूं विधायकी की टिकट दिती, बिलकीस बानो दे दोषियों नूं रिहा किया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ते लगे दोषों के बावजूद हाले तक उसकी हमायत सरकार कर रही है। मैं उन्होंने दसना चाहना कि मान साहब की सरकार के MLA या मंत्री ते अगर कोई उंगली भी खड़ी हुई है तो असी पूरी ट्रांसपेरेंसी ना, अकाउंटेबिलिटी ना, जवाबदेही ना, ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि अहुदों तो भी लाया। तो मेरा सवाल अनुराग ठाकुर जी नूं है, भाजपा के मंत्री नूं है कि अनुराग ठाकुर जी, तुहाडी कैबिनेट का अहम हिस्सा, मोदी साहब की सरकार का अहम हिस्सा अनुराग ठाकुर जी के कलीग टैनी मिश्रा, जिहड़ा कि किसानां नूं दिन दहाड़े दरड़न वाला, उन्हों अज तक मोदी साहब ने कैबिनेट तो बाहर का रस्ता नहीं दिखाया, ये गल करते हैं। मेरा अनुराग ठाकुर जी को सवाल है कि जेडे कुलदीप सेंगर ने दलित भाईचारे की बच्ची ना, ना सिर्फ रेप किया बल्कि जिंदा साड़ता, उस कुलदीप सेंगर MLA दे परिवार को MLA की टिकट भी दी भाजपा ने, ते नाल नाल उदा सन्मान समारोह किया। मेरा सवाल अनुराग ठाकुर जी को कि तुसी आम आदमी पार्टी के सवाल खड़े कर रहे हो, पहला यह दसो बिलकिस बानो के रेपिस्ट नूं सन्मान क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल है अनुराग ठाकुर नूं कि जिहड़ियां साडियां ओलंपियन बच्चियां कई दिनों तो दिल्ली धरने ते बैठिया, उन्हां नूं सैक्सुअल हरासमेंट का मेन दोषी जिहदे ते एलीगेशन लाए आ, जिहदे ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दीआं डायरेक्शनां ते केस होया, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਜੇ ਮੈਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ
जो आया अप्रैल दे जीएसटी की कलैक्शन कितनी हुई है 2015 करोड़ रुपए। उधर लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस भी बीजेपी के हक के प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के हक च प्रचार करद जय श्री राम के नारे भी लाए तो बाद अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे कह के लोगों तो बीजेपी के हक च वोटा मंगिया। सो हूँ 10 तरीक वोटों तो बाद 13 तरीक नतीजे वेले ही पता लगेगा कि जलंधर की जंग कौन जित गया।